लाजडी का झमेला वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कितने ज्यादा बसर मचा हुआ था। सारी कुछ तो आप लोगों ने देखा था, फिर मेगालोडन को कैसे मैंने टेम किया। तो आज और भी सारी कुछ करना है, उन लोगों को सेफ भी रखना है, अपने सारे एनिमल्स को भी जो भी करना है, फिर बहुत सारे कुछ तो है ही। तो फटाफट से शुरू करते आज का वीडियो। उससे पहले होला टीएस गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एआर के सर्वाइवल इवॉल्व। तो ये तो देखो, ये अपने मन से, इसका ना मैंने एग्रेसिव में रखा था, तो ये अपने मन से जितना भी बेस के आसपास आता है उसको तो मारता ही रहता है। और बाकी इसको मैं आज पहना देती हूँ इसका शेडल। तो शेडल देखो कितना छोटा है, मतलब ओ माई गॉड यार, वो अहिल्या हो गया था मेरा। तो शेडल बहुत छोटा है इसका, तो इसको लेके मैं पानी के नीचे तक रुको 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 जा तो रही हूँ। और ये देखो, मतलब ये भी पॉसिबल है क्या, इतना स्पीड में कोई इंसान ऐसे सिर्फ पकड़ के ऐसे सो के रख सकता है क्या किसी भी मजले के ऊपर? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल यार। बट इधर पे देखो मैं कैसे सोए हूँ, मतलब मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसे देख के। तो हर इसका दांत देखो कितना खतरनाक दिख रही है। तो चलो ये तो मतलब देखो 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 जस्ट देखो कि ये फिर से मारपीट करने लग जाता है इधर पे। मतलब इसको बंदा क्या मिला, एक मांटा इसको दिखा इधर पे और ये शुरू हो गया। और सामने देखो फिर से एक मेगालोडन आ जाता, एक नहीं दो दो मेगालोडन ऊपर से मांटा। तो मुझे इधर पे रोकना ही नहीं है, नहीं तो अभी मेरा जो ये मेगालोडन है इसको ये लोग मार दे। तो मैं इधर पे बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ, मैं बिल्कुल लिटरली इधर से भाग जाती हूँ। मतलब उसका स्पीड भी बहुत अच्छा है, बट एक चीज क्या है पता है कि मैं बैठी नहीं हूँ, मैं सोई हूँ इसके ऊपर। तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही है। और इधर पे मैं इसको छोड़ के क्या रख के गई थी, और देखती हूँ कि भाई ये भाई इसके ऊपर बहुत सारे मेगालोडन का हमला हो जाता है और ये मारपीट करने लग जाते। तो मैं घुसा तो लगाती हूँ, बट घुसा से इधर पे काम नहीं चलेगा। तो मैं सोचती हूँ भाई क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रही थी। तो मैंने फटाफट से अपना शॉर्ट को निकाला, निकालने के बाद मैं मारने जाती हूँ और फटाफट से इन लोगों को खत्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतना कष्ट करके मैंने मेगालोडन का टेम किया और ये मेरे से फिर से एक बार खो जाए। तो अभी इधर तक तो मैं आ चुकी हूँ और ये मेगालोडन देखो मेरा अभी इधर पे खड़ा ही था। तो ये बहुत कम पानी में है, तो थोड़ा ये बहुत इसके लिए दिक्कत हो जाती है। फिर से मैं सोचती हूँ इसको लेके थोड़ा सा घूम के आती हूँ, सामने चाहती हूँ और इसको इस साइड पे ना रख देती हूँ, क्योंकि इधर पे इसके लिए बहुत सही जगह होगा। और इसके ऊपर मैं खड़ा हो चुकी हूँ अभी, और ये तो कितना बड़ा है मेरे से, मतलब बहुत बड़ा है। और इसके ऊपर मैं एकदम छोटा सा एक पुतला हूँ। तो इसको मैंने बहुत सारे फिश वगैरह दे के रखा है कि इसको कोई दिक्कत ना हो, खाना पीना खाते रहे। बाकी इसको लेके मैं और एक बार एकदम डीप एकदम समुद्र के गहराई में आई थी। और देखो इसको चारों ओर से सात आठ इधर पे मेगालोडन इसके ऊपर हमला कर देता है और ये बुरी तरीके से इसको जख्म करते रहता है। और इधर पे डॉल्फिन वगैरह भी है। बाकी मेरे मेगालोडन ने एक को तो मारा, बट दिक्कत वाली बात हो जाती है कि लास्टली मेरे मेगालोडन को इन सभी मेगालोडन ने मिलके खत्म कर दिया। और फिर मुझे देखता है कि मैं देखो इसका मालिक, इसको मालिक को पकड़ो, इसको मालिक को खाओ। तो ऐसे गलती मत करना, अपने मेगालोडन वगैरह को एग्रेसिव में मत रखना, उसको अटैक टारगेट देके रखना, या तो फिर पैसे पर रखो, जो भी रखो उसको सेफ रखने की कोशिश करो, नहीं तो वो चला जाएगा। अटैक टारगेट में भी ना ये लोग पीछे भागता रहता है, तो बिल्कुल गलती मत करना। मतलब मैंने गलती किया तो आप लोग मत करना। तो मैंने फिर से एक बार इधर पे आ जाती और अपने बेस को इधर पे ठीक ठाक करती हूँ। तो जब मैं कर ही रही थी तो सामने देखती हूँ ये लोग झमेला कर रहा है, किससे झमेला कर रहा है, जाती तो बाकी देख तो कोई भी नहीं है। और ये डिप्लोडोन का घर पे खाना देके रखा, उसका घर का खाना नहीं खाना है, उसको बाहर ही खाना है। खा तू, बाहर से ही तू उठा उठा के खा बेवकूफ कहीं का। तो इधर पे मैं ये जो मतलब अपना जो बेस है इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हो। तो इधर पे मैंने बेस को पूरा सा एकदम ठीक ठाक करके एकदम लगा दिया, खुल भी रहा है दरवाजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैंने सोचा कि मैं अभी कैस्ट्रोहेड को टेम करूंगी, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम के लिए मैं इस गेम पे अभी कैस्ट्रोहेड को करूंगी टेम। तो उसके लिए मैंने सोचा रैप्ट को पहले ठीक कर लेते, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डोडेक्यूरस को इधर पे टेम किया था, फिर उसको निकालने के लिए मुझे रैप्ट को तोड़ना पड़ा था। तो फिर से एक बार मैं रैप्ट को बना लेती हूँ, एक सेकंड इधर पे नहीं भाई गिर गया मैं, तो इधर से नहीं होगा। तो इधर पे खड़े होकर मैं रैप्ट को एकदम पूरा तरीके से जैसे मेरा रैप्ट है बिल्कुल उसी तरीके से कम्प्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि इस रैप्ट को लेके अभी मैं निकलने वाली हूँ, ठीक है ना। तो सारे रैप्ट को एकदम ठीक ठाक, जहाँ पे भी जितना भी प्रॉब्लम था सारे कुछ को मैंने इधर पे ठीक कर दिया। और ये देखो क्या हो गया भाई, तू भाई इसके लिए तो भाई उधर देखो, फिर से इन लोगों का एक बार फिर से हमला वगैरह। और ये डिप्लोडोन का मतलब इसके लिए इतना छोटा छोटा, मतलब वो रैम कुछ बात ही नहीं यार, ये तो दौड़ लगा देते, वो वुडन स्पाइक वाल इसके लिए कोई काम ही नहीं। इधर पे एक लेवल की एक मेगालोडोन को मेरे मेगालोडोन ने मार दिया। तो जो भी हो भाई, रेक्सी को देखो कैसे देख रहा था। अरे डिप्लोडोन का बहुत परेशान करता है, इसको मैं लाया क्यों,
अभी ऐसा फीलिंग आ रही है कि इसको लाना मेरे लिए एक बेवकूफी होगी। तू आ जा बेटा, तू आ जा, पहले इसको ला दे दियो मैं अपनी जगह पे, एक जगह पे ना, इधर पे थोड़ा सा सेफ जगह है इस साइड एकदम कॉर्नर पे, इधर पे इतना हमला वमला भी नहीं होता है, तो उसको उधर पे मैं रख दूंगी तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो मैंने बस अपने रिप्लेरो का इसको एक सेकंड इसको इधर पे रख देती हूँ, और एक सी को देखो देख रहा है कि कर क्या रहा है ये लोग, तो इधर पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया। और अभी जो करना है कि मेरा जो मेगालोडन है ना, इसको भी सेफ तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर पे एक जगह था तो इधर पे मैं आ जाती हूँ और इसको इधर पे रख देती हूँ। रखने के बाद मैं सोचती हूँ कि ऐसे नहीं रख सकती हूँ मैं इसे, तो इसके लिए मुझे वुडन स्पाइक वॉल को बना के रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके ऊपर हमला हो और ये मारा जाए बिल्कुल, और मैं ना रहूँ जब तो कौन देखभाल करेगा इन लोगों को। तो मैं इसीलिए इधर पे वुडन स्पाइक वॉल पूरा लगा देती हूँ और उसके अंदर मैंने इस मेगालोडन को अंदर पे फिट कर देती हूँ, ठीक है ना। तो इधर पे रुको जरा, गलती हो गया था। तो फाइनली मैंने इधर पे पूरा एकदम देखो एकदम स्पाइक वॉल से पूरा गोल करके एकदम इधर पे एक बैरिकेड बना दिया, जहाँ के अंदर मेरा जो मेगालोडन है वो है, बट वो थोड़ा सा सामने की तरफ एकदम पीछे की तरफ देखो है। तो मैंने इसको एक सेकंड इसको थोड़ा सामने की तरफ कर देती हूँ और इसको इधर पे रख के मैं अभी निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं जब नहीं रहूंगी मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ इसके ऊपर कोई भी हमला हो और इसे कोई मार दे। तो अभी इसको तो मैंने रख दिया, अभी चलते हैं रेफ्ट के अंदर और अपना रेफ्ट को लेके फिर से एक बार हम लोग निकल जाएंगे दूसरी जगह, जहाँ पे मुझे मिल सकती है कैस्ट्रोइड, क्योंकि इधर पे तो कैस्ट्रोइड का नामो निशान नहीं दिख रही है मेरे को। तो अभी चलो रेफ्ट को निकालते हैं अपना और निकल पड़ते हैं अपने सवारी को लेके। अब तो छोड़ के जाना पड़ेगा फिर से एक बार, तो हम दोनों ही जा रहे हैं, मैं और ऑटो जा रही हूँ, तो और तो कोई हम लोगों के साथ जाएगा नहीं। तो मैं और अटर अभी निकल पड़े हैं कैस्ट्रॉयड के खोज में, देखते हैं कितने दूर में हमको मिलता है वो कैस्ट्रॉयड। तो अभी हम एक लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे ब्लिंक हो रहा था, तो उधर पे आने के बाद सामने मुझे एक छोटा सा एक पॉन्ड टाइप से दिखती है, उधर पे मुझे कैस्ट्रॉयड दिख जाती है। और मैंने रैफ्ट को एक जगह पे सेफली रख के आया है, क्योंकि इधर तो नहीं आएगा रैफ्ट क्योंकि जगह ही नहीं है इधर पे आने की। तो मैं इधर से कूद जाती हूँ और जाने के बाद मुझे अभी सामने जाना है, और सामने जाने के बाद मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ये कोई डेंजरस प्लेस तो नहीं है, तो उसका ध्यान रख के मुझे सारे काम को भी करना है, ऐसे ही कर दूंगी तो नहीं होगा। तो देखो इधर पे ये सारी चीज़ों है, ठीक है ना, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमला कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सामने मुझे दिख जाती है 11 लेवल की एक फीमेल, तो मुझे वो चाहिए था, तो मैं इधर पे सामने जाती हूँ। बट रात भी होने को है तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि ठीक ठाक टाइम में उनको आना चाहिए था, अभी शायद मैंने गलती कर दिया, क्या किया मुझे नहीं पता। तो मैं सामने आ जाती हूँ, अभी इसको मैं इधर पे ऐसे तो नहीं कर सकती, तो एक काम करती हूँ इसके जो जाइंट वीवर डैम है ना, इससे मैं कुछ चुरा लेती हूँ। जैसे ही मैं चुराऊंगी ये मेरे पीछे आएगा, और पीछे आएगा तो मैं क्या रेफ्ट में लेके जाके इसको कर सकती हूँ, मैंने ऐसा सोचा। अभी तक मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा भी क्या नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको लिया ये हो गया मेरे ऊपर गुस्सा, और गुस्सा आने के बाद ये मेरे पीछे पड़ जाता है, इसका देखो बॉयफ्रेंड भी आ गया है अभी, तो ये दोनों बहुत खतरनाक तरीके से गुस्सा हो जाता है और मेरे पीछे मेरे को दमादम मारता है। और देखो जकल लिया मेरे को दोनों तरफ से दोनों ने, बहुत बहुत स्मार्ट है ये लोग। तो अभी चलो सामने की तरफ हम भाग रहे हैं, अपना टॉर्च को निकाल लेते हैं, मशाल को तो अभी फटाफट से इधर से हम सामने की तरफ जाते हैं, और इन लोगों को एक्चुअली हम बुला रहे हैं कि आ जा भाई बेटा, आ जा मेरे पीछे पीछे आ जा, एक जगह जाएंगे, जाने के बाद तू लोग जब थोड़ा सा जकल जाएगा तो मैं उधर पे तुम लोगों को ट्रैंक एरो से मैं करने वाली हूँ नॉक। तो अभी मैं इधर पे सेफ सिक्योरली आ जाती हूँ और इन लोगों को देखती हूँ कि ये लोग भी बहुत क्लोज आ गया है। तो अभी मैं अपना जो तीर है उसको निकाल लेती हूँ, तो निकालने के बाद उसमें मैंने पहले ही बहुत सारे ट्रैंक एरो को लेके आई थी, तो अभी फीमेल वाला ही आया है मेरे पास। तो ये बेचारा देखो कैसे ट्रैंक एरो खा रहा है, तो इसको मैं मारी जाती हूँ और ये कुछ मार खाने के बाद ये भागता है। तो पिछवाड़ा में भी दे दी हूँ 2-3, बट ये भाग जाता है। बट इतने अंधेरी में मैं कहाँ पे जाऊँ, तो मैं सोचती हूँ भाई कहाँ जा रहा है, तो देखने की कोशिश में भाई देखती हूँ कि और एक कैस्ट्रॉयड मेरे ऊपर हमला कर देता है जो कि इसका बॉयफ्रेंड है। तो अभी मैं सोचती हूँ छोड़ो यार फीमेल वीमेल, अभी मेल को ही कर लेते फिर टीम। तो फटाफट से मैंने मेल को ही मारना स्टार्ट कर दिया इधर पे, फटाफट एकदम ट्रैंकर को मैं चलाती हूँ, और चलाते चलाते इसका लेवल 6 था, तो ये बहुत फास्ट अनकॉन्शियस हो जाती है। जैसे ही मैं चेक करती तो देखती इसका टॉर्पर बहुत हाई हो चुका है और ये हो चुका है अभी। तो अभी इसके अंदर मैं क्या मेजरबड़ी देने ही गया था कि ये जो मेरा ऑर्डर है ना ये हो जाता है बहुत बड़ा पागल है, ये काट के खाने लग जाता है। तो मैं इसको हटा देती हूँ और फिर जाके मैं अकेले जाके इसके अंदर मैं बहुत सारे मेजरबड़ी को डाल देती हूँ। जैसे ही डालती हूँ ये कुछ देर बाद ये तो खाना स्टार्ट कर देगा, और तब तक मैंने गाजर खा लिया। बाकी मैं देखती हूँ कि इसका जो अनकॉन्शियसनेस है ना ये बहुत फास्ट 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 इसका घटता जाता है। तो मैं तो समझ गई भाई
दिक्कत तो इधर पे होने वाली है, बाकी वो फीमेल आ रही है फिर से, तो मैं सोचती हूँ रुक जरा तू आ बेटा इधर को मारूंगी जो भी करूंगी। बट उधर पे रात हो चुकी थी, बहुत सारे भसर मची थी, तो सारे कुछ आज तो नहीं हो पाया। मैं वो सारी चीजें आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड पे दिखाती हूँ। आज फिर जाती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा, टाटा एंड टेक केयर।